कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे मटर बाजार के बारे में, आज जानेंगे क्या रेट देखा जा रहा है एलएमई और एमसीएस के बाजार में। मटर के मार्केट में आज क्या कीमतें चल रही हैं, बेस मेटल में, दिल्ली के मार्केट में, स्पॉट मार्केट में, फिजिकल बाजार में आपको आज कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेंज आज बाजारों में क्या चल रही है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मटर के बाजार के बारे में बात करते हैं। विदेशी मार्केट की वजह से आज घरेलू बाजारों में भी कॉपर, पीतल, एल्युमिनियम का बाजार अच्छी खासी तरह तेज है। जिंक में बढ़त दर्ज करी गई है, एलमी के मार्केट में बढ़त दर्ज करी गई है। रेट के बारे में सबसे पहले एलमी एमसीएस के बारे में जान लेते हैं। तो कॉपर में रेट 9466 चल रहा है, एलमी में 823.40 रुपए का रेट एमसीएस में है। जिंक के मार्केट में 2474 रुपए का रेट चल रहा है, एलमी में 224.65 रुपए कीमतें आप एमसीएस के बाजार में एल्युमिनियम में देखकर चल सकते हैं। लेड के मार्केट में इसी तरह से 2165 रुपए पर एलमी में आप कारोबार कर सकते हैं, 189.25 रुपए का रेट एमसीएस में है। जिंक के बाजार में एलमी का रेट 2742 है, 241.95 रुपए एमसीएस का रेट देखा जा रहा है जिंक में। सोने के मार्केट में 2376.10 रुपए कीमतें, कॉमेक्स में 71664 रुपए का रेट एमसीएस के बाजार में देखा जा रहा है। सोने में ये सोने का रेट है, सिल्वर का रेट 28.38 रुपए का चल रहा है, कॉमेक्स का रेट है 83021 रुपए का रेट एमसीएस में है। गोल्ड यानी सोने के बाजार में 85.30 रुपए कीमतें, कॉमेक्स में 7101 रुपए का रेट एमसीएस के बाजार में देखा जा रहा है क्रूड ऑयल में। अब इसके अलावा बात करेंगे दिल्ली के बाजार के बारे में, जानेंगे क्या रेट देखा जा रहा है दिल्ली के स्पॉट मार्केट में और ट्रेडिंग रेंज आज क्या चल रही है, आपको विस्तार से ट्रेंड और रेट के बारे में खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको मटेरियल बाजार से संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या रेंज रहेगी, किस तरह से कारोबार बाजारों में देखा जा रहा है, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा लोहे के मेटल के मार्केट या फिर आपको कैसे कारोबार करना चाहिए, और बाजार खुलने से पहले बाजार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप ज्यादा से ज्यादा मेटल के मार्केट में अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दिल्ली के बाजार के बारे में बात करते हैं, तो दिल्ली के मार्केट में कॉपर सुपर एसजी में रेट 838 है, कॉपर केबल स्क्रैप में रेट 814 चल रहा है। कॉपर आर्मेचर में जो कीमतें हैं वो 800 चल रही हैं। एल्युमिनियम के बाजार में बाजार बढ़ा है, एल्युमिनियम पुर्जे का रेट 184 है, एल्युमिनियम बर्तन में कीमतें 183 हैं। जिंक के मार्केट में जिंक हिंदुस्तान में कीमतें 243 चल रही हैं, लेड का रेट जो है वो 181 रुपए देखा जा रहा है। एलआईबीटी में कीमतें 201 हैं, बैटरी स्क्रैप में रेट 99.119 रुपए आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा निकल में जो रेट है वो 1560 चल रहा है, टिनागे में जो रेट है दिल्ली के बाजार में वो 2965 रुपए देखा जा रहा है, पीतल का रेट 512 है और एसएस बर्तन स्क्रैप में आप 64 रुपए तक का बाजारों में आप यहां से रेट देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जो आज ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, बहुत अच्छी तेजी दर्ज करी गई है दिल्ली के बाजार में एलमी एमसीएस के बाजार में। अब ट्रेडिंग रेंज के बारे में अगर बात करी जाए तो एक अच्छा सपोर्ट का लेवल कॉपर को देखते हुए अगर देखा जाए तो 795 का सपोर्ट काफी अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 805 है। लेड के बाजार में 180 रुपए का सपोर्ट काफी अच्छा लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल 182 है। जिंक के मार्केट में 237 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 245 है। निकिल में 1555 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल 1595 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो आपको यहाँ से पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, अच्छी तेजी दर्ज करी गई है एलमी एमसीएस के बाजार में और एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आप जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और मटेरियल बाजार से जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।